हेलो पीपल, कैसे हैं आप लोग? आज है मेरा एक लुक टेस्ट। क्या हुआ ना, कोविड के बाद एक ऐसा सिलसिला चला कि लोग घर से ही अपना लुक टेस्ट, अपना ऑडिशन जो भी है वो घर से ही करके भेजने लगे। जिस तरह से लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे, इस तरह से हमारा भी ऑडिशंस घर से ही जाने लगे। तो हमारा वर्क फ्रॉम होम यही है, शूटिंग्स चालू हुई हैं लेकिन अभी भी ऑडिशंस और मीटिंग्स थोड़ी सी कम हो रही हैं। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी कि लुक टेस्ट घर से कैसे दिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे तैयार होती हूँ, किस तरह से मेकअप करती हूँ, हेयर करती हूँ, और फिर अपना ऑडिशन, अपना लुक टेस्ट बनाकर मैं कैसे उसे भेजती हूँ। तो मैं पूरा आज प्रोसेस आपको दिखाने वाली हूँ इस व्लॉग के अंदर, सो स्टे ट्यून्ड। तो जो आज का मेरा लुक होगा वो थोड़ा इंडो वेस्टर्न है, क्योंकि मेरे कैरेक्टर का डिमांड है वो। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। ये दो लुक है मेरे जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं फॉर दिस लुक टेस्ट। अब देखते हैं कि कौन सा फाइनल होता है। इससे पहले मैं नहा लेती हूँ, बिकॉज जब तक वहाँ से अप्रूवल आएगा तब तक मैं शावर लेकर आती हूँ। तो शावर मैंने ले लिया है, तो सबसे पहले आई स्टार्ट विद माई मेकअप, बिकॉज मेरे नींद ठीक से ना होने की वजह से डार्क सर्कल्स बहुत दिख रहे हैं। तो आई स्टार्ट विद माई मेकअप फर्स्ट। लेकिन मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आई प्रेप माई स्किन। मेरा सीरम एंड मॉइस्चराइजर। तो मैंने यहाँ पे आइस लिया है, मॉइस्चराइजर लिया है एंड सीरम लिया है। वो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आपको कौन सा मॉइस्चराइजर, कौन सा सीरम यूज करना है, दैट्स अप टू यू, कम्प्लीटली योर चॉइस। फिर मॉइस्चराइजर लेती हूँ और अप्लाई मॉइस्चराइजर एंड क्लीन माई स्किन। उसके पहले मैंने अच्छे से, लाइक बहुत अच्छे से फेस वॉश किया है। मॉइस्चराइज करने के बाद मैं क्या करती हूँ, मेरे पास एक मसाजर है, अगर आपके पास नहीं है घर पे तो आप हाथों के प्रेशर से भी अपने फेस को हल्का सा मसाज कर सकते हो। नाउ आइस, जिससे एक्चुअली स्किन पे बहुत ग्लो आता है। You should apply. Serum. मेरे ये सिरम प्राइमर का काम करता है, तो आई डोंट नीड टू अप्लाई एनी प्राइमर। बहुत लोग प्राइमर अप्लाई करते हैं, वो आपके ऊपर है। सी, यहाँ ये मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग मैं अपना मेकअप कैसे करती हूँ, तो मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ। स्किन पूरी तरह प्रेप करने के बाद मैंने अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया है। तो मैं मेकअप के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, एक ब्लॉग बनाएंगे जो मेकअप के ऊपर होगा सिर्फ, बट ये फिलहाल मेकअप के ऊपर ब्लॉग नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ कि मैं क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ और कैसे क्या कर रही हूँ। मेरी मम्मी खुद का मेकअप कैसे करती थी, एक लिपस्टिक लेके इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, लिपस्टिक लगाई, हो गया जी मेकअप। मेरी दादी ऐसा बताया करती थी, दूर दूर से लोग मम्मी को देखने आया करते थे ये कह के कि अरे चावला खानदान की ना नई बहू आई है जो बहुत ही खूबसूरत दिखती है। तो लोग सिर्फ दूर दूर से मम्मी को देखने आया करते थे कि वो कितनी खूबसूरत है। तो चौचले आज के है जी चलो कर लेते हैं थोड़े चौचले हम भी। ये मेकअप को बहुत ही बेसिक रखते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता है कि कैरेक्टर की डिमांड क्या है, उनको ज़्यादा मेकअप चाहिए, कम चाहिए, लेस इज ऑलवेज मोर। जब भी सिलेक्शन होगा और एक प्रॉपर लुक टेस्ट तो होना ही है, तो उसमें वो हमारा मेकअप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो आंखें हो गई हैं ऑलमोस्ट रेडी, मेकअप ऑलमोस्ट हो गया है, हल्की सी लिपस्टिक लगाएंगे, नहीं है डन डन। तो ये सब समेट के फटाफट बाल बनाते हैं अभी, क्योंकि मुझे जल्दी है। तो मैं फटाफट से क्या करती हूँ, ये आयरन मशीन लेके फटाफट इस तरह से बालों पे हल्की हल्की मारती हूँ। बालों पे मुझे ज़्यादा मेहनत करने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज ऑलरेडी स्ट्रेट स्ट्रेट बाल हैं। मैंने पहले ऑलरेडी हीट प्रोटेक्टर लगा लिया था एंड सीरम भी लगा लिया है। मैं ट्राई करती हूँ बाल जितना कम जलाए जाए उतना अच्छा है, बिकॉज बालों की हेल्थ बहुत ज़रूरी है।
बाल भी फटाफट हो गए हैं, तो जल्दी से मैं अपना ऑडिशन स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद मैं पूरे लुक में आ जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय। तो जब हम व्लॉग शूट कर रहे थे, बीच में एक मैसेज आ गया था कि मुझे इस लुक के साथ रेडी होना है, तो मैं रेडी हो गई हूँ पूरी तरह से। तो फटाफट अपना लुक टेस्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपसे फिर बात करती हूँ। घर से जब हम ऑडिशन देते हैं तो ये बहुत जरूरी है। सो इसे कहते हैं जी सेल्फी स्टैंड। घर से लुक टेस्ट देंगे तो ये तो पॉसिबल ही है कि बीच में बेल बजेगी, कभी कोई आएगा, कभी कोई जाएगा, कुछ ना कुछ आवाज आएगी, घर में खाना बनेगा, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। देखते हैं कौन आया। दैट वाज आशीष भाई जो खाना बनाने के लिए आए हैं। तो चलो फिर वापस लगते हैं अपने काम पे। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, और इसी मस्ती के चक्कर में कई भवरे हैं जो मेरे आगे पीछे मंडराते रहते हैं। तो क्या सबको मधु बांटती फिरूं मैं? हाँ आया बड़ा, औकात देखी है अपनी, मुझसे शादी करेगा। 10 साल की थी मैं जब विधवा हो गई। मेरी ससुराल वाले एक 50 साल के बुढ़े पति के साथ मुझे सती करना चाहते थे। जब वहां से भागी ना, तभी सोच लिया था शादी करूंगी तो ऐसे आदमी से जो मुझे संभाल सके, किसी टच पूंजिए से नहीं। आया बड़ा शक। ए लड़की, इधर 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 क्या कर रही है तू? संग्रेज से झगड़ने चली थी? हाँ, अगर वो अंग्रेज अफसर तुझे देख लेता, तुझे पता है क्या होता? तेरे साथ साथ हम दोनों भी अंदर हो जाते। आशीष भाई 10 मिनट आवाज मत करना, मेरा ऑडिशन चल रहा है। हाँ हाँ, अगर उस अंग्रेज अफसर ने तुझे देख लिया होता ना, तो तेरे साथ साथ हमें भी अंदर कर देता। झगड़ा करना तेरे खून में है क्या? हाँ, तेरी माँ कोई झगड़ालू या कोई स्वतंत्र सेनानी थी? हाँ, पता नहीं किसके पाप का बोझा ढोए फिर रहे हो। तेरी माँ ना तुझे छोड़कर चली गई, तो फिर हम क्यों तेरे बोझे को अपने सर पे ढोए घूमे? हाँ, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, चल हट पीछे। बाके मैं क्या कह रही थी? फाइनली ऑडिशन खत्म हुआ और बज गए हैं शाम के कुछ 8:15। करते करते बहुत टाइम लग गया, बिकॉज मैंने पहले एक टेक भेजा तो उन्होंने बोला नहीं, कुछ एक वेरिएशन करके भेजो, तो फिर मैंने दोबारा भेजा, फिर उन्होंने बोला नहीं एक दूसरे कॉस्ट्यूम में भेजो, मैंने वो भेजा, फिर बोला नहीं वापस इस कॉस्ट्यूम में भेजो, तो मैंने वो भेजा। फाइनली खत्म हुआ ये ऑडिशन। पता है हम एक्टर्स की लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल लोगों से डिफिकल्ट होती है, बिकॉज एवरी डे हमें बहुत सारे रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। हम अपने घरों से दूर, अपनी फैमिली से दूर इसलिए आए हैं बिकॉज कहीं ना कहीं हम ये रिजेक्शंस रियली सॉरी। आप रिजेक्ट होते हो कोई बात नहीं, आपके पास काम नहीं है कोई बात नहीं, यू फील डिप्रेस्ड कोई बात नहीं, बात तब है अगर आप ट्राई करना छोड़ देते हो। पापा हमेशा कहते थे तेरी किस्मत इच है तेनू जरूर मिलेगा, मेहनत करना ना छोड़ी, कभी कभी किस्मत भी तेरे अग्गे हारेगी,
जे तुम मेहनत करती रहेंगी यू विल गेट वॉट यू डिजर्व ट्रस्ट मी. ये वो व्लॉग था कि हाउ टू गिव योर ऑडिशंस, बट ये थोड़ा इंस्पिरेशनल और इमोशनल हो गया. मेरे हाथ में था मेहनत करना, वो मैंने कर लिया. अब मैं सिर्फ प्रे कर सकती हूँ और मुझे आपकी भी दुआओं की जरूरत है. कैसे ही मुझे ये काम मिलेगा मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. तो ठीक है जी, मैंने अपना काम किया, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में. अब आपको अपना काम करना है. आपको क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट. अरे करो यार, जल्दी करो. लव एंड पीस.